हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप भी पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि होम ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ हैं जिनके सेवन करने से आप अपनी पीसीओडी को घर बैठे बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर कंचन, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी डाइट से आप अपनी पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से होम रेमेडीज हैं जिनसे आप घर बैठे बैठे ही अपनी पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इन होम रेमेडीज में से जो पहला होम रेमेडीज है वो है टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी। हल्दी का नाम सबसे पहले आता है और ये आप सभी के किचन में भी पाया जाता है। हल्दी में एंटी माइक्रोबियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है और साथ ही साथ कर्क्यूमीन नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और पीसीओडी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो आप हल्दी को एक चुटकी हल्दी एक गिलास दूध में डालकर रेगुलर रूटीन पर ले सकते हैं। हल्दी क्या करेगा, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी इन्हेंस करेगा, यानी कि उनकी पावर को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस में रखेगा। तो अगर आप रेगुलर रूटीन पे हल्दी का सेवन करते हैं तो आप अपने पीसीओडी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो नेक्स्ट होम रेमेडीज है वो है तुलसी। जी हाँ, तुलसी। एक्ने और फेशियल हेयर ग्रोथ पीसीओडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तुलसी एक ऐसी होम रेमेडी है जो आपके फेशियल पिगमेंटेशन को, फेशियल हेयर ग्रोथ को और एक्ने को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। साथ ही साथ तुलसी शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी में जितने भी इम्प्योर चीज़ें हैं उनको वो डिटॉक्स करता है। तो आप तुलसी के पत्ते रेगुलर रूटीन पे 8 से 10 ले सकते हैं, जिससे आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं या पीसीओडी के वजह से जो आपके फेस पे एक्ने है, फेशियल हेयर ग्रोथ है, वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट होम रेमेडीज है वो है दालचीनी। पीसीओडी में ज़्यादातर देखने को आपको यही मिलता है कि आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं। इम्बैलेंस हॉर्मोन्स के वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर होते चले जा रहे हैं, फेस पे एक्ने आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है। तो दालचीनी एक इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और साथ ही साथ आपके इरेगुलर पीरियड्स को भी कंट्रोल करता है। तो आप दालचीनी पाउडर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लेने का क्या तरीका है, आप चुटकी सा दालचीनी पाउडर एक गिलास पानी में डालिए और उसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। फिर दालचीनी का जो पानी है उसको ठंडा होने दें, देन उसके बाद आप इसका सेवन करें। आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो आपको पीसीओडी के वजह से जो आपका मंथली पीरियड्स है, यानी कि जो मेंसुरल साइकिल है जो आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है, वो धीरे धीरे लाइन पे आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होम रेमेडीज है वो है अश्वगंधा। आप लोगों ने देखा होगा कि पीसीओडी की ज़्यादातर चांसेस कब होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है या आपकी डाइट अच्छी नहीं है या आपकी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो ये कंडीशन भी पीसीओडी के प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है और साथ ही साथ फर्टिलिटी और ओवुलेशन को भी ये कम करता है। तो इस कंडीशन में अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं तो ये आपके फर्टिलिटी और ओवुलेशन को भी इंक्रीज करेगा, इन्हेंस करेगा और मंथली जो पीरियड्स आपके मिस हो रहे हैं उनको इंक्रीज करेगा, यानी कि बैलेंस में लाएगा। तो आप अश्वगंधा खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप अपने चाय में भी यूज़ कर सकते हैं, हल्के गुनगुने पानी में चुटकी सा अश्वगंधा मिक्स करके भी आप सेवन कर सकते हैं। इन सभी होम रेमेडीज़ के साथ साथ आपको एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन भी करना है जो आपके पीसीओडी को नेचुरल तरीके से क्योर करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।